हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो है ब्लॉग, एक मैंने कल परसों का था, वो बड़ा हो जाएगा, इसे अलग रखेंगे। तो कल यहाँ पे साफ सफाई होगी, क्लास चल रहा है। हाँ जी, आगे आया नहीं वो अभी। यहाँ पे ये फ्रिज है, दो शीशे टूटे, यहाँ पे सारी सफाई होगी। कैमरा गंदा हो रहा है, विपिन ऐसे ही बना रहे थे वीडियो। अभी मार्केट से आए, घर पे सामान रखा, फिर इधर आए। ये काउंटर है, बाद में दिखाऊंगी आपको पूरा जब सेट हो जाएगा। अभी तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, कितनी सारी मशीनें रखी हुई हैं भैया लोगों की। और वो सामने घर वाला टीवी यहाँ लग गया है। एक कैमरे मतलब जरूरी थे ना यहाँ पे, देखो मैं भी दिख रही हूँ। हाँ, और एसी लग गया है, ये काम भी हो गया, काफ़ी सारे काम हो गए। फ्रिज आ गया भाई, अभी गिनती में। उधर जो है रेलिंग भी लग गई, ये शीशे इधर इस तरीके से लग गए यहाँ पे। अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा डिफरेंट सा हो गया। बाकी इस तरीके से है। किसी ने मुझसे खर्चा पूछा था कि खर्चा कितना आया। शीशे देखते हैं, वैसे टूट गए लाने में, भैया का नुकसान हो गया, रास्ते में टूट गए तो अभी लगे नहीं है, लगे नहीं है, अभी लगेंगे। मंदिर मेरे को अच्छा बनवाना था, ये बनाया, अभी कल देखते हैं मंदिर। अभी ऊपर चलते हैं। ऊपर कोई है? ऊपर है कोई? रेलिंग बढ़िया है, रेलिंग बढ़िया हो गई। इधर वाली भी वहां से खड़े होंगे, दिखाना है इधर वाली। अच्छा यहाँ पे लगेगा, पूरा मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इसमें जोर नहीं देती, पता चला वहां भी लगा देंगे। चला ग्रोट है, ग्रोड है ये, मतलब नीचे ग्रोड हो रखी। अच्छा अंदर तक। हाँ चलो, फिर भी हमें तो फ्रिज रखना है यहाँ पे, पर ठीक होगी इधर से है ना। हाँ थोड़ा सेफ्टी है ना, बच्चे तो खड़े नहीं होंगे, पर फिर भी सेफ हो गया इधर से। वो देख ले अपना सिस्टम, बाद में देखूंगी। क्या हाल कर दिया, आजा धो देंगे, धो जाएंगे, गीला कपड़ा मार देंगे। नहीं बेबी, इन पे इन्होंने कुछ नहीं लगाया। हाँ लगाएगा वो, दोनों पे बोलो ना, यहाँ की जाली भी लग गई है, शीशा भी लगाया कि नहीं लगा। देखो गिरना चाहिए इस पे, देखो बाहर में सारे टूट गए, जा नहीं सकते इस पे, अभी कच्ची है ना ये, सारी टाइल्स लग चुकी हैं बाहर, सुंदर लग रही है। दूर से दिखाओ, फिर बच्चे भी घर पे वीडियो देखेंगे ना, वो आए नहीं है। अरे यहाँ पे डबल दरवाजा कर लिया है जाली वाला, ताकि मच्छर वच्छर। अभी हाथ मत लगाना इस पे। अच्छा काम अच्छा किया है, काम अच्छा किया है, जिन हमने ठेके पे करवाया है सारा काम। किसी ने पूछा था कितना खर्चा आया, वो लास्ट में मैं आपको बैठ के बताऊंगी। सच बताऊं, अभी बैठ के वीडियो बनाने का ना टाइम नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि कल फर्स्ट नवरात्र है। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। अभी क्या है ना, यहाँ से सीधा मैं जाऊँगी विपिन और मैं ताई के पास जाएंगे। तारमला हमारे घर के पास ही है, ताई का घर, तो वहाँ पे जाके थापों की पूजा का पूछना है। कल यहाँ सफाई होनी है, नीचे माल डालना है, शुरू करना है, है ना। कल तो सफाई होगी, तो बाहर का भी अच्छा लग रहा है। अब शीशा रह गया ना, शीशा लगाया नहीं उधर मेरे को, मैंने चेक नहीं किया ना। हालत देखो भाई सफाई में ना यहाँ पे। तो आप ना ये काम ना छोटे छोटे हैं, आप एक बार जो सुल्तान भैया का नंबर है ना उस पे उनको डाल दो कि भैया वो शीशे नहीं, फिर भी अभी छोटे काम है कि ये रोशनदान के वो। चलो भाई चलते हैं नीचे, काम अभी खत्म भी हो गया और चुटर पुटर बचा भी है, जो कि चलता रहेगा। अच्छा पहले यहाँ नहीं लगवा रहे थे, अब लगवा दी। ये किस लिए रखा हुआ है लोहे स्टील की, लाओ उसको इन्वर्टर बड़ा रखा है ना। ओहो इसको पोंछना पड़ेगा, पोंछ देंगे, दूर धमाका बहुत था आज, ये आज ही लगा है, वो रेत सीमेंट की वजह से हो रहा होगा। उन भैया को भी बेटर हो गया, यहाँ मोटर वगैरह आएगी इधर की साइड। जो मेरे इनविटेशन भेजा था
चलिए मैं आपको सामान दिखाती हूँ। सबसे पहले ये चौकी, हम अलग से नहीं रख रहे हैं मंदिर को, मतलब जैसे मैं चौकी उस पे लगा देती हूँ पेटी पे, मैं और खुशी बात कर रहे थे क्योंकि व्रत पूरे हम ही रखेंगे, तो फिर हम दोनों ने सोचा कि सर चढ़ना है कैसे करना है, तो हम जो हमारा मंदिर है वो ऐसे बना है ना सीढ़ी टाइप से, तो सेकंड जो फर्स्ट वाली है उस पे हम इसीलिए ऊंचा स्थान करना होता है, हमारी वाली चौकी बाहर निकलती तो ये ठीक है। चौकी तो क्या ये बना दी गई है, तो पटरी है, तो ये है एक। फिर चौकी के लिए ऊपर के लिए कपड़ा भी चाहिए, तो ये है सही। फिर माता रानी के लिए चुन्नी चाहिए बड़ी, एक ये चुन्नी है माता रानी की, एक ये चुन्नी है डिफरेंट कलर की, मैं ले आई मैंने कहा थोड़ी सी ये वाली मैं ड्रेस लाई हूँ माता रानी के लिए, मैंने कहा कुछ अलग सी दिखा दो, कहने लगे फिर महंगी है, मैंने कहा कोई बात नहीं दिखा दो आप, इसके पीछे ये है सुंदर लग रहा है, इसके पीछे इनका ये है, ये कान्हा जी की है, कान्हा जी की मेरी मदर बहुत सबसे सुंदर यही थी, और ये माता रानी के बाल है, ये माता रानी का मुकुट है, मैं ड्रेस से मैच करके लाई हूँ कंट्रास्ट में, ये माता रानी की माला है, ठीक है कान्हा जी की कान्हा जी की है, दिन तो कल माता रानी का है ना, जैसे बर्थडे गुड्डू का हो तो गुड्डू के लिए ज्यादा होगा, इस तरीके से कल माता रानी का है, ये कपूर का है, इस तरीके से पूरा का पूरा है। अच्छा ओके, स्टैंड वाला स्टैंड तो नहीं है, स्टैंड तो वो हमारे पास गोल सा है। अच्छा अच्छा ओके, ये होगा इसमें, देखें चेक करते हैं बेटे चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ है सर, मैं अरे मैंने पहन लिया हमारा चप्पल, देखते हैं एक बार, मैंने देखा नहीं, ये वाली भी बहुत प्यारी लग रही है, सिंपल सी, सारे कलर तो हो चुके हैं माता रानी पे, हाँ डार्क वर्क तो है। फिर माता रानी के लिए श्रृंगार रखे हैं, तो ये श्रृंगार बाद में किसी को दे देते हैं, इसलिए मैंने कहा अच्छे वाला दे दो, तो वो कहने लगे फिर मतलब सबसे अच्छा यही वाला था वहाँ पे बेस्ट में ना, क्योंकि किसी को दो तो वो यूज करे, और मैं तो क्या करती हूँ मैं नेहा को दे देती हूँ, तो ये है ये पंचमेवा, ये शायद लोगों की लाइफ में ट्राई कर दिया, कपूर ये वो मिक्सचर, वो हमारा वो है हवन कुंड, ऊपर से तानना पड़ेगा कि मामा जी आएंगे आते ना धूपबत्ती, लॉन्ग है एक ही वाली बत्ती ले आई मैं आगे आने वाले दिनों के लिए नवरात्रों के बाद रख के, मैंने कहा जोत लगा लूं, ठीक है। विपिन जा रहे हैं शॉप पे वापस क्योंकि वहाँ शीशे वगैरह लगेंगे, लैब तो पहले ही जाते लेकिन वो शीशे लाते हुए रिक्शे में टूट गए, वो नुकसान हमारा तो नहीं हुआ लेकिन भैया का हुआ जो दूसरे भैया है, मुझे तो उनके लिए भी दुख हुआ क्योंकि नुकसान तो नुकसान है चाहे अपना हो चाहे किसी का हो, तो तीन शीशे आ रहे थे जिसमें देखते हैं दो बात वहाँ बाथरूम में कह रही हूँ चेंजिंग रूम में, टूटे कैसे रिक्शे पे आ रहे थे कुछ हुआ होगा तो टूट गए, और मैंने कहा किसी को चोट तो नहीं लगी ना, नहीं चोट नहीं लगी, रिक्शे वाले भैया की थोड़ी गलती थी ये बता रहे थे, वो चावल साबुत चावल रोली, अब खुशी देखेगी एक बार क्योंकि खुशी को पूजा पाठ का बहुत ज्यादा है, तो वो देखेगी अगर कुछ आना होगा, बाकी उसने जो लिस्ट दी थी बना नारियल, नारियल तो घूमने बोला था, अभी भी फोन मिलेगी पापा को, विपिन विपिन फोन मिलाइयो पापा को, गुड्डू फोन मिलाइयो मामा जी को, नारियल तो बोला था हमने रखा ही नहीं, और एक पान का पत्ता, और हिसाब में भी था शायद, और देख उन्होंने हिसाब की पर्ची देनी चाहिए ना ताकि हम चेक कर ले, क्या पापा नारियल नहीं है इसमें, चेक कर लो ना कभी इसमें हो, ये तो मैंने वहां से लिया है अलग से, तो विपिन के कपड़े, विपिन का बर्थडे है, हम सारी चीजों में विपिन के बर्थडे को नहीं भूल सकते,
विपिन का बर्थडे है इस मंथ, तो एक टी शर्ट ये है नेवी ब्लू कलर की, ये एक टी शर्ट ये है इनकी, सेम कलर चेंज है वाइट कलर की, पता नहीं पर कल की ईद नहीं है बेटा। एक ये है टी शर्ट, सही है कलर समझ ही नहीं आते कौन सी ने कौन सी नहीं है। एक ये है और एक है शर्ट, सी गाइस एक शर्ट है ये। इस साल वैसे मैंने विपिन को सोचा था कि फोन, पर फोन का इतना नहीं सोचा था क्योंकि पिछले साल मैंने उनको फोन लेके दिया था, पर मेरे को ये था कि अगर मैं ये वाला फोन लेती हूँ, ये आईफोन लेती हूँ, तो मैं विपिन को भी दूंगी लेके। तो अब अगले साल मैं विपिन को बर्थडे गिफ्ट आईफोन दूंगी, तब तक तो 16 आ जाएगा, प्रो मैक्स नहीं दूंगी, सिर्फ 16 में दूंगी, है ना। क्या पता अगले साल, डिपेंड करेगा ना। नहीं विपिन लेंगे ही नहीं, अभी बात करते आ रहे थे, वो कह रहे थे मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है ये वो, मैंने दूंगी तो मैं जरूर, तो उस अगले साल उनको जो है आईफोन गिफ्ट करूंगी। इस साल तो नहीं हो पाएगा, चाह कर भी नहीं हो पाएगा। एक कमेंट बहुत ही प्यारा था कि रश्मि हमें आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि तन्मय या भैया के कपड़े हम नहीं देखना चाहेंगे, मेरी बार बार आई कॉन्टेक्ट खुशी से हो रहा है। तो उनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें तो भैया और तन्मय के कपड़े में भी इंटरेस्ट है, दिखाया करो उनकी शॉपिंग भी, तो इसलिए मैंने दिखा दिया। और बाकी जो है कल का सामान, फ्रूट्स ले आई थोड़ी सी, सब्जी टमाटर वगैरह जो खत्म हो रहे थे, और बाकी ये है अभी खा लेना खुशी अपनी चॉकलेट। कल तो तुम, मैं बोल रही हूँ मैं पाप नहीं लेना चाहती, कई बार बोल चुकी हूँ, एक बार और बोल रही हूँ कि खुशी यार या तो कॉलेज की तू 9 दिन की छुट्टी कर, क्योंकि देखो ऐसे पूरा दिन ये 6 बजे तक रहेगी, तो फिर ये मान नहीं रही। फिर मैं इसके लिए लड्डू वड्डू ले आई, क्योंकि ये नमकीन भी नहीं खाती पूरा दिन, जैसे नमकीन खा ले चाय के साथ खा लेती है, तो ये मीठा ही खाएगी, तो फिर मैं इसके लिए लड्डू लेके आई। और फिलहाल ये चॉकलेट है इनके लिए, मेरे लिए लाया खास तौर से, खुशी अभी खा लेगी चॉकलेट, बाकी विपिन के लिए ये रस्ते है। तो बता तो मेरे लिए कौन सी लाया, एक चाय की पत्ती का पैकेट ले आई क्योंकि वहाँ पे जा रही है, दो सेंधा नमक छोटे पैकेट होते हैं, चॉकलेट दे दो, दे दी ये सामान के चावल, क्योंकि हम लोग ना फ्राइड नहीं खाएंगे, मुझे दिक्कत होती है व्रत और हम दोनों का। हाँ खुशी को सबसे ज्यादा कुट्टू के पराठे और आलू की सब्जी पसंद है, वो एक दिन बनाएंगे, बाकी फ्राई नहीं बनाएंगे क्योंकि मुझे फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। तो चलो जी सारा दिखा दिया है, अब मंदिर लगाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में खुशी जाएगी पूजा करके, तो या तो ये मंदिर लगाएगी या मैं लगाऊंगी, और एक जना जो है मैं भुर्जी भुर्जी बनाऊँ, पनीर ले आए हैं, पनीर की भुर्जी बन जाएगी इस टाइम। कल मिलते हैं आप लोगों से, इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करेंगे या फिर मंदिर लगाने के बाद आपको दिखाएंगे कि मंदिर कैसे लगे। रात के करीब 10:30 बज रहे हैं और हम घूमते घूमते आ गए थे शॉप पे, अभी तो चाव चढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे ना विपिन थे, हम लोगों ने तो खाना खा लिया था लेकिन विपिन ने नहीं खाया था, वो सीधा मुझे छोड़ के यहाँ आ गए थे कि मैं खाना खाने नहीं रुक रहा, वहाँ पर लोग हैं तो उनके साथ जाकर मुझे देखना है, वहाँ खड़ा होना है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आ रही हूँ, 10:30 बज के अभी तक नहीं आया, तो बच्चे मैं हम लोग निकल गए और यहाँ पहुँच गए। फिर उसके बाद यहाँ आकर हमें पता चला कि ये वाला शीशा भी टूट गया है, अंदर तो जो चेंज होकर आए थे वो लग चुके हैं ठीक ठाक हैं, और यहाँ वाला जो था जो एक बचा था वो यहाँ, क्योंकि दरार आ गई होगी इसमें, अब इन भैया मेरे से ना, मेरे को अजीब सा लगता है जब किसी का नुकसान होता है, मेरे को ऐसे लगता है हाय यार ये बंदा बोल नहीं रहा, पर अंदर ही अंदर ना वो हो रहा होगा, तो भैया तो बोल रहे थे कोई बात नहीं ये मतलब बेकार ही जाएगा और मैं दूसरा ले आता हूँ, मैंने कहा आप इसी को काट दो जैसे तैसे कर दो, यही लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर वही सब जो है काटा काटी चल रही है, अभी शीशा लगेगा, मतलब थोड़ा और ज़्यादा टूट गया था वो, पर मैंने कहा चलो फिर कभी चेंज हो जाएगा 2-4 महीने में या 5-6 महीने में दूसरे वाला ले आएंगे, अभी कोई बात नहीं। फिर मेरे को वो हो रहा था यार कितना नुकसान हो गया इनका, 2 शीशे पहले टूट गए, बल्कि भैया कह रहे थे चलो कोई बात नहीं नुकसान ही पहले है बाद में फ़ायदा है, ये वो अच्छे थे सभी नेचर के बहुत अच्छे थे,
क्योंकि अब इन लोगों का काम खत्म हो चुका है, कल से भैया लोग नहीं आएंगे। और देखो शीशे में दरार पड़ गई, वो टूट गया गलत तरीके से। फिर हमने ऐसे ही बोला कि ऐसे ही लगा दो, और कांच का काम था, मुझे तो देख के भी डर लग रहा था कि हाथ उठ में ना लग जाए किसी के। इसको इधर रखो, इधर रख लो इसको, इधर वाली साइड पे। यार ये तो बहुत नाजुक काम है, ये कपड़ा ले लो आप हाथ में। तो मैंने भैया को बोला था जो टूट गया है हिस्सा उसको बिल्कुल आधा कर दो, बिल्कुल मतलब चारों तरफ से एक सार करके, लेकिन कटते हुए वो हो गया, वो टेढ़ा ही हो गया। अब फिर मैंने बोला चलो आप टेढ़ा ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा बदला जाएगा। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय।